प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से परंपरागत खेती की बजाय फल व सब्जियों की खेती करने के लिए एक विशेष योजना चलाई है। फल एवं सब्जी सहकारी उत्पादन समितियां नाम की इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज भिवानी के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भिवानी और दादरी जिले की सहकारी समितियों के लिए जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बारे में महाप्रबंधक सुरेश पाल व डिप्टी रजिस्ट्रार सतीश रोहिला ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को परंपरागत खेती की बजाय फल सब्जियों व उनके प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। ये योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आयु दुगनी हो, जो इनकम है वो दुगनी करनी है, वो जो हमारा ट्रेडिशनल खेती का तरीका है उससे आय दुगनी नहीं हो सकती है। तो यही एक साधन है कि या तो किसान है ये फल और सब्जियां ये उगाएं और नई नई चीज़ों को लेके आएंगे तो इनकम दुगनी होगी। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी एक योजना लागू की है। इसके तहत 5 लाख रुपये तक का जो लोन है उसमें 2 जमानतदार होंगे और 20% यानी कि सब्सिडी दी जाएगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए तक 1 लाख रुपए मिलेगा। इसमें युवाओं को खास तौर पे आगे आना होगा, आज जैसे ये कार्यक्रम किया गया इसके माध्यम से भी, और हमने पीछे 6 महीने से ये वर्किंग कर रखी है और हमारे DOs को ब्रांच मैनेजर्स की मीटिंग में टारगेट भी दिए हैं कि जैसे हमारी 42 ब्रांचें हैं तो कम से कम 2-2 केस इस तरह के वो हर ब्रांच से लेके आए, अच्छे अच्छे लोगों को इसमें जानकारी मिलेगी। युवा हैं, किसान हैं, वो ये काम करना चाहते हैं तो उनकी इनकम भी डबल होगी और बेरोजगारी की समस्या वो भी कम। मैंने सेमिनार किया है, ये एक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रोवर सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग है और गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम आई है जिसके अंतर्गत सहकारी फल एवं उत्पाद सब्जी एवं उत्पादन समितियाँ और कोऑपरेटिव जो वुमेन सोसाइटीज़ उनके लिए स्पेशल स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत आज हमने ये एक वर्कशॉप रखा है और सोसाइटीज़ के यहाँ पर मेंबर भी हाजिर हुए हैं, जिसको हम इस बात से जागरूक कर रहे हैं कि सोसाइटी जो सहकारी फल एवं उत्पादन समितियाँ हैं वो क्या क्या कार्य कर रही हैं या जो उनके सामने जो वित्तीय जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमने आमंत्रित किया है, जिसके अंतर्गत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट शेयर कैपिटल इसा राशि जो एक प्रकार की वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है, इस राशि के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं होता, जो कि एक समान किस्तों में कुछ समय बाद लौटानी होती है, और इस वित्तीय सहायता से सोसाइटीज़ को बहुत ही ज़्यादा उत्थान मिलता है। इसके सिवाय जो सहकारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उनकी तरफ से लोन प्रोवाइड करवाने के लिए योजना लागू की गई है। वही कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने भी इस योजना की सराहना की तरफ से एक सेमिनार बुलाया गया है और DRCS भिवानी ने हमें सूचित किया था कि आपने 8 तारीख को आना है, हम आज सुबह 11 बजे से मीटिंग कर रहे हैं। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल सोसाइटी है, जमींदारों को जिन्होंने सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा रखी है उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली हुई है, उसमें 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी का प्रोविजन डाला हुआ है और 5 लाख रुपए तक का बैंक लोन दे रहा है। गौरतलब है कि परंपरागत खेती की बजाय फल व सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए ये योजना खासी लाभकारी सिद्ध होगी।